जय जिनेन्द्र। दिगंबर जैन धर्म का सबसे बड़ा महोत्सव है 10 लक्षण धर्म अथवा पर्युषण महापर्व। भाद्रपद मास की पंचमी तिथि से चतुर्थी तिथि तक 10 गुणों को पाने के लिए उपासना, तप, त्याग, व्रत सभी कुछ किया जाता है। सत्य, विनम्रता, त्याग, तप, आकिंचन्य, शौच, क्षमा, हे प्रभु मुझे सब कुछ देना। और उसके बाद आता है एक पर्व जो दुनिया भर में अनोखा है और वो है क्षमा मांगने का पर्व, जिसको कहते हैं क्षमामुक्ति पर्व। इस दिन हर किसी की वाणी में क्षमा होती है। हर जैन धर्म का अनुयायी अपने माँ बाप, भाई बहन के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पड़ोसियों के पास जाते हैं, कुलीग्स के पास जाते हैं, कोवर्कर्स के पास जाते हैं और सबसे बस एक ही अनुग्रह करते हैं कि जानते हुए या अनजाने में हमसे कभी कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। मैं भी आपसे यह अनुग्रह करती हूँ कि कभी जाने में या अनजाने में मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो या ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे आपका दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इस क्षमा के पर्व के बाद कहते हैं कि आत्मा का कैनवस फिर से नया हो जाता है, उससे राग द्वेष सब हट जाता है और हर अनुयायी एक नए जीवन को फिर से प्रारंभ कर देता है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। If you have liked this video, please like, share, and subscribe. Thank you.